Namaskar, hello everyone. This is me Pooja, and you are with MotherWorld, the world where it's your all access solution. Yes, wish you a very happy Holi. और होली एक ऐसा त्यौहार कहते हैं जो हमारा हमारा जो वर्ष जो नव वर्ष शुरू होता है उसका पहला त्यौहार इसी को माना जाता है. जी हाँ, क्योंकि इंग्लिश से जो हम लोग का न्यू ईयर स्टार्ट होता है वैसा नहीं, हमारा पंचांग जो बदलता है वो इस दिन के बाद बदलता है. तो यस, विश यू अ वेरी हैप्पी होली. होली एक ऐसा त्यौहार है, कहते हैं जितने रंग आपको पता है, खुशी के वो जो हर्षोल्लास के वो हरे पीले नीले रंग, और गम के और गुस्से के और काले रंग. और यस, कहते हैं कि रंग रंग जब तक आपके जीवन में ना हो तब तक आपका जीवन जीवन को संवारने का काम रंग करते हैं. और आप जानते हैं जब आप होली के दिन आपका चेहरा देखते होंगे, आप कितनी ज़्यादा कलर जितने आपके चेहरे पे लगे होते हैं उतने ही ज़्यादा आप अच्छे लगते हैं. यकीनन वो हमारी सुनहरी यादें होती है होली की. वो सारी यादें हमारी सबसे हमारे जीवन की सबसे बेहतरीन यादें हैं. वो हमें सिखाती है कि हमें जीवन में किस तरीके, क्योंकि हम सभी क्या चाहते हैं हमारी लाइफ में, सक्सेस, अचीवमेंट्स, हमारी जो इम्प्रेशन हो, हमारा एटीट्यूड जो हो वो हमेशा हाई स्टैंडर्ड पे होना चाहिए. पर क्या आप चाहते हैं सिर्फ एक कलर से होली होती है क्या? कभी नहीं होती होली. हर रंग, जब तक आपके चेहरे पे हर रंग नहीं होता तब तक वो होली नहीं होती. और यस, ये छोटा सा वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि होली का महत्व हम सभी जानते हैं. हम जानते हैं कि होली एक ऐसा पर्व है जिस पे बुराई, जिस तरीके से दिवाली के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी, वैसे ही होली के ऊपर भी एक, मुझे पता है आपको ज़रूर पता होगा, पर मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी. आप जानते हैं होली के पहले होलिका दहन होता है. होलिका दहन में ऐसा माना जाता है कि प्रहलाद जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी भक्ति से, कहते हैं आप किसी चीज़ के पीछे कॉन्स्टेंट अगर आप उस चीज़ के पीछे लग जाए तो भगवान आपकी पूरी मदद करते हैं. बस उस पर विश्वास होना चाहिए, इंसान का विश्वास उसके भगवान के ऊपर ऐसा होना चाहिए कि जब हम ऊपर जाए तो भी हमें पता होना चाहिए कि भगवान हमें ज़रूर लेंगे. वो बच्चे जैसा जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना आंखें बंद करिए, जब आपको लगता है ना, अगर आप आंखें बंद करके कहे कि नहीं अब तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि संसार नहीं है, है, चीज़ें हैं. उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि भगवान नहीं दिख रहे इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं. वो एक ऐसी शक्ति है जो आपको अंदर से विश्वास देती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो आज ही आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा, वो अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी. आप बस एक धैर्य रखिए, और धैर्य कहते हैं इससे बड़ी दवा कहीं नहीं हो सकती. अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप कितनी भी बड़ी, कितनी भी दूर आपकी मंजिल हो, कितनी भी मुश्किल, कितनी भी कठिनाई आए आप ज़रूर पार कर लेंगे. उसी तरीके से जब होलिका, जिसे भगवान से वरदान था, इस दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपके ऊपर वो थोड़ा सा भरोसा आपको ज़रूरी है, आपके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए. जैसे मदर वर्ल्ड को अपने ऊपर ट्रस्ट है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आप लाइफ में चेंज करके जाएंगे, और आप ज़रूर करके जाएंगे. और इसी का त्यौहार, इसीलिए ये होली का महान पर्व कहा जाए. यस, आज यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको होली के ऊपर, और यस मैंने भी देखा है इसलिए मुझे पता है. पर कहते हैं होली या कोई भी त्यौहार आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ ही वो खुशियाँ बढ़ जाती है. और यस, इसके साथ तो बहुत सारे मैरिजुआना, ज़रूर आपने भांग, शिव जी का प्रसाद है, ऐसे गलत तो नहीं कहना चाहिए, और शिव जी के इस प्रसाद को भी धारण करिए. और होलिका दहन के बाद जो रंग पंचमी है, जो रंग लगाने का, सुबह मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 5 बजे उठ ही जाते हैं. बचपन में क्या एक्साइटमेंट होती थी ना, एक दूसरे के ऊपर रंग, कितनी 10 रुपये की 100 100 मिलती थी वो पतली वाली चिल्ली, वो बहुत खूबसूरत यादें याद करिए. और यस, इसीलिए आपका होली जो 21st ऑफ गुरुवार का कितना अच्छा दिन है, नहीं, गुरुवार के दिन रंग पंचमी है, तो मनाइए इसे अपने त्यौहार को अपनी फैमिली के साथ. एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली. एंड यस, मोस्ट प्रोबेबली एक्सेल एक्सेल भी उसी तरीके, अब तो मदरवर्ल्ड भी कितना रंग बिरंगा हो गया, तभी तो हमारी जर्नी इतनी अच्छी लग रही है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली वंस अगेन, एंड बाय, टेक केयर योरसेल्फ. एंड यस, रंग ज़रूर खेलिए,
पर ध्यान से और पूरी तरीके से एज अगर बात की जाए किसी को भी आज परमानेंट कलर लगा दे ताकि देखिए कितने समय तक हम अपने दोस्त से प्यार करते हैं, ऐसी कोई चीज़ मत करिए। होली का मतलब अबीर और गुलाल से ही होता है, ज़रूर मनाइए होली। सो यस, प्रिकॉशंस भी लेकर के रखिए, जितना हो सके अपने आप को कवर कर लीजिए ऑयल से एंड दैट्स इट। मुझे पता है ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पता होंगी क्योंकि कहते हैं ना ये तो हमने बचपन से सीखी। आज भी हमारे नॉर्थ इंडिया में एक ट्रेडिशन होता है कि सरसों के तेल से, सरसों जो होता है उसे मालिश करते ताकि वो एक तरीके से उसका मतलब ये होता है कि उसे होलिका में डाला जाता है क्योंकि हमारे जो हमारे ऊपर जो निगेटिविटी या कोई नज़र या ऐसी कोई बुरी शक्ति अगर हमारे ऊपर आक्रमण करती है ऑफकोर्स तो सारी चीज़ों को एक अच्छी ब्लेसिंग्स के थ्रू भगवान हमें देते हैं और वो निगेटिव चीज़ को उसमें जला देते हैं। एंड इसका जो साइंटिफिक अगर वे में जाए तो यस, ये आपके बॉडी को एक तरीके से ऑयल देता है, नरिश करता है और एक हाइड्रेशन देता है सो दैट आपके ऊपर होली का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े वो होली के कलर्स, क्योंकि कितना भी आप ऑर्गेनिक कितना भी नेचुरल कलर्स का यूज़ करें पर यस थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ ही जाता है। एंड That's all from my side and yes, Motherworld wish you a very very happy Holi और नंद नंदन, अयोध्या की नंद नंदन आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण।